नई ईद पुराना तनाजा। रोयत अहलाल कमेटी के चेयरमैन और वजीर साइंस टेक्नोलॉजी आमने सामने। मुफ्ती मुनीब का कहना है कि फवाद चौधरी अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने चांद की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा, आवाम खुद फैसला कर ले कि क्या ये पहली का चांद है। ये न साइंसी मैार है न शरी मैार है। पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हलाल है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम। ईद है नई लेकिन तनाजा पुराना। मुफ्ती मुनीब और फवाद चौधरी फिर आमने सामने। मुफ्ती मुनीब रहमान वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बरस पड़े। अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहे हैं। चांद का नाप तोल करना ये न साइंसी मैार है न शरी मैार है, ये फवाद चौधरी की जहालत। वजीर साहब ने गुज़िश्ता रोज चांद की तस्वीर पोस्ट की और कहा, अवाम खुद फैसला कर ले क्या ये पहली का चांद है। पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हलाल है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम। सा भी ना सिलेंडर अडॉप्ट नहीं करती टेक्नोलॉजी। अवाम बेचारी फैसला करे तो क्या, वो तो एक बार फिर कंफ्यूज हो गयी। साइंस की माने या मुफ्ती साहब के ऐलान पर सर तस्लीम खम करे। कमेटी के हिसाब से सरकारी अरेंजमेंट तो वही है ना। फवाद साहब को तो नहीं उसका चेयरमैन अभी तक बनाया। फवाद हमारा ऐसा चांद है जो हर रोज कोई ना कोई चांद चढ़ाता है। रुयत हिलाल के ऐलान का इख्तियार है मुफ्ती मुनीब के पास, इसीलिए फवाद भी यकीनन ईद उनके ऐलान के मुताबिक ही मनाएंगे।